जिज्ञासा आई हुई है कई सारी कि अहोई अष्टमी क्या होती है और इसका क्या महत्व है। अहोई अष्टमी के दो स्वरूप हैं, एक तो लौकिक स्वरूप है जिसमें अहोई माता हैं उनका व्रत किया जाता है और वो प्रसन्न होके पुत्रों का हित करती हैं। इसमें माता लोग व्रत करती हैं, लौकिक कोई पूजा होती है मैं नहीं जानता वो, और पुत्रों का हित होता है, ये तो लौकिक पक्ष है। और जैसी जैसी आपके घरों में परंपरा हो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। वैष्णव मत में अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड का प्रादुर्भाव माना गया है। राधा कुंड की स्थापना जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा तो और निकुंज में पहुंचे हैं तो प्रिया जी ने कहा तुमने गौवध किया है, वो बोले असुर था, बोले था असुर रूप में लेकिन था तो बछड़ा, तो तुम अशुद्ध हो गए, तुम हमको मत छियो। तो बोले क्या करूं, तो प्रिया जी और सखियों ने कहा तुम सारे तीर्थों में जाके स्नान करके आओ। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा है मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूं। तो राधा जी ने श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी से वहां कुंड को खोदा और सभी तीर्थों का आवाहन किया तो सभी तीर्थ आए, मैं प्रयाग हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी तीर्थ श्याम कुंड में समा गए। श्याम कुंड में समा के श्याम कुंड की हो गई, श्याम सुंदर ने स्नान कर लिया। फिर श्याम सुंदर के सखा बोले कि प्रिया जी आपने भी अपराध किया है। बोले क्यों, बोले आपने एक असुर का साथ दिया है, ठीक है बछड़ा था गऊ जाति था तो हमने तो कर लिया, आपने एक असुर का साथ देने से आप भी अशुद्ध हो गई हो, आप भी हमारे इस श्याम कुंड में स्नान करो। तो बोली हम आपके श्याम कुंड में स्नान नहीं करेंगी, हम अपना कुंड बनाएंगी। तो ऐसे ही फिर उन्होंने अपने कंकण से राधा कुंड का गड्ढा खोदा और उसमें तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ उपस्थित हो गए, हे राधा रानी हमें आप सेवा दीजिए, सारे तीर्थ और बल्कि मिला दिया गया श्याम कुंड और राधा कुंड को, तो राधा कुंड श्याम कुंड एक हो गए और सारे तीर्थ उसमें आए। उस समय वहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड में प्रिया प्रीतम ने स्नान किया और फिर निकुंज लीला आदि की है। यह अहोई अष्टमी का है आज भी, और ये समय बताते हैं कि रात्रि के 12 बजे का समय था। आज भी अहोई अष्टमी के दिन लाखों की संख्या में लोग राधा कुंड पहुँचते हैं और राधा कुंड जयंती तिथि अवसर पर वहाँ स्नान करते हैं और प्रिया प्रीतम की भक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी कहना है कि जिनके संतान नहीं होती है वे दंपति भी वहाँ जाकर यदि स्नान करें और प्रिया जी से प्रार्थना करें, प्रिया जी प्रसन्न हो जाएं, तो उनको संतान होते हुए भी इस दास ने अनेक दंपतियों को देखा है, संतान भी हो जाती है। समय का प्रभाव है, प्रतिशत कितना है, कितनी निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है, क्या प्रारब्ध है, वो सारी चीज़ें देखने पर होता है, लेकिन संतान होती है और पुत्र का संतान का हित होता है अहोई अष्टमी के दिन। ये प्रामाणिक है, वैदिक है, ये अंधविश्वास नहीं है, दोनों बातें मैंने आपसे निवेदन कर दी। जय श्री राधे, जय नेताई। जो लोग पहली बार इस राधा कुंड जी के बारे में सुन रहे हैं उनको बता दें कि श्री राधा कुंड जी जो हैं वह एक स्थान है, एक शहर है, एक पूरा कस्बा है जहाँ वैष्णव रहते हैं, वह मथुरा ज़िले में है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत मथुरा ज़िले में है। और वहाँ पे उस दिन पुलिस की भी बहुत व्यवस्था रहती है, बैरिकेडिंग रहती है, गाड़ी एक दूरी तक, एक निश्चित तय दूरी तक आती है, फिर वहाँ से टमटम चलते हैं, गाड़ी आपको एक जगह पार्क करनी पड़ती है, फिर वहाँ से टमटम चलते हैं और टेम्पो चलते हैं जो कि श्री राधा कुंड तक आपको पहुँचाएंगे। यदि आप आने का सोच रहे हैं तो कोई भी कीमती वस्तु जैसे जो भी अपने ज्वेलरी आदि लेडीज़ ने पहनी होती है वह सब ना पहन के आएँ, अपना पर्स मोबाइल आदि इत्यादि बहुत ध्यान रखें क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और राधा कुंड में रुकने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउस आदि इत्यादि हैं,
लेकिन उनमें 8 नवंबर की, जैसे कि पूजनी पिताजी ने बताया, तो पहले से ही बुकिंग हो जाती है। तो वृंदावन से राधा कुंड की जो दूरी है वो लगभग लगभग ऐसे 15-16 किलोमीटर है, और गिरिराज जी से भी राधा कुंड की दूरी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है। बरसाना से भी राधा कुंड जी की जो दूरी है वो लगभग लगभग 30-35-40 किलोमीटर है। तो सब गाड़ी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी और उसके बाद वहां पे आपको टेम्पो से या कैसे भी आ सकते और हैं। आप रात्रि में स्नान करके वापिस वृंदावन, गोवर्धन या बरसाना जा सकते हैं आराम से, क्योंकि रहने की व्यवस्था राधा कुंड में पर्याप्त नहीं है। आप वृंदावन में रुकिए, रात्रि में जाइए, स्नान कीजिए और वापिस रात्रि में वृंदावन आ जाइए। रात्रि में सड़कें खूब चलती हैं, खूब भीड़ होती है। दिल्ली या फरीदाबाद या होटल पलवल वाले बहुत सारे भक्त लोग जो है वो आते हैं और स्नान करके रात्रि में चले जाते हैं, साथ के साथ वापिस चले जाते हैं। तो ये सब जानकारी भी आपको दे दी गई है। जो इस बार एक भैया ने जिज्ञासा करी थी तो उनका ही यही था कि मैं आज तक राधा कुंड नहीं गया हूँ और प्रथम बार मैंने सुना है, और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के संदर्भ में ही इस प्रश्न को मेरे से पूछा था। तो आशा है आप सब लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लिया होगा। जय श्री राधे, जय निताई, जय जय श्री राधे। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।